हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बायोशॉक 2 की स्टोरी को। और अगर आपको इस प्रकार का कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस गेम की स्टोरी बायोशॉक 1 के इवेंट्स के 8 साल बाद शुरू होती है और इस जगह की कमान रियान के बाद सोफिया लैम ने ले ली है, जो कि पेशे से साइकेट्रिस्ट है और धर्म प्रचारक रह चुकी है। और इंसानों की प्रोग्रेस के लिए सोफिया रियान के नक्शे कदम पर चल रही है, पर उल्टी दिशा में। और इतना ही नहीं, सोफिया के अंडर ही फर्स्ट जनरेशन की लिटिल सिस्टर अब मेच्योर हो चुकी हैं, जिन्हें अब बिग सिस्टर कहा जाता है, जो कि काफी अग्रेसिव है, जिन्हें प्लास्मिड का इस्तेमाल काफी अच्छे से करना आता है। और सोफिया ने बिग सिस्टर को अटलांटिक के बाहर भेज दिया है ताकि वो अपने काले मंसूबों को पूरा कर सके, लिटिल गर्ल्स को किडनैप करके उन्हें लिटिल सिस्टर बना सके। और इस गेम की शुरुआत 1958 की न्यू ईयर ईव की शाम को होती है, जब यहाँ पर सब लोग इस पल का मजा उठा रहे होते हैं और सब्जेक्ट डेल्टा लिटिल सिस्टर के साथ सक्सेसफुली एक रिश्ता बनाने में कामयाब होता है, जो कि पहला बिग डैडी होता है। फिर लिटिल सिस्टर बिग डैडी की उंगली पकड़ लेती है और वो दोनों यहाँ से आगे चले जाते हैं, लेकिन बीच में ही उन्हें एक बॉडी मिलती है जिसमें से लिटिल सिस्टर एडम को निकाल लेती है और उसको पी लेती है, फिर यहाँ से भागती चली जाती है, जिसके बाद बिग डैडी उसका पीछा करता है और एक पार्टी में पहुँच जाता है जहाँ पर लोग सब्जेक्ट डेल्टा को देखकर डर जाते हैं। लेकिन तभी लिटिल सिस्टर की चिल्लाने की आवाज आती है और आवाज का पीछा करते हुए बिग डैडी उसके पास पहुँच जाता है, जहाँ पर कई सारे स्प्लाइसियर्स लिटिल सिस्टर को मार रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर बिग डैडी आ जाता है और स्प्लाइसियर्स को काफी दर्दनाक मौत देता है और आखिरी वाले को मारने वाला ही होता है। लेकिन तभी वो अपनी जान बचाने के लिए उस प्लास्मिड का यूज करता है, जिसके बाद वो यहाँ से गायब हो जाता है। पर यहाँ पर सोफिया प्रकट हो जाती है, जो बिग डैडी को बताती है कि लिटिल सिस्टर मेरी बेटी है, जिसका नाम एलेनर लैम्ब है। जिसके बाद सोफिया बिग डैडी को अपने घुटने पर बैठने को कहती है और उससे उसका हेलमेट उतरवा लेती है। फिर सोफिया बिग डैडी को एक पिस्टल देती है और उसे अपने सर पर रखने को कहती है और आखिरी में शूट करने को कहती है। फिर सब्जेक्ट डेल्टा अपनी जान ले लेता है, जिसके 10 साल बाद लिटिल सिस्टर वीटा चेम्बर की मदद से डेल्टा को दोबारा से जिंदा करने में कामयाब होती है। और लिटिल सिस्टर्स को कंट्रोल एलेनर कर रही थी, जिसके बाद एलेनर टेलीपैथिक के जरिए डेल्टा को मैसेज भेजती है ताकि उसकी मदद कर सके। और आगे जाकर डेल्टा की मुलाकात डॉक्टर टेनेनबम से होती है, जो उसे बताती है कि एलेनर को बचाने और सोफिया को रोकने के लिए तुम्हें रैप्चर के खंडरों से होते हुए फॉन्टेन फ्यूचरिस्टिक जाना चाहिए, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे या लिटिल सिस्टर से ज्यादा दूर रहोगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, जिसके चलते तुम्हारी धड़कन बंद हो जाएगी और तुम मर जाओगे। जिसके बाद इस जर्नी में डेल्टा की मदद डॉक्टर टेनेनबम और उसके दोस्त भी करते हैं, और अपने सफर के दौरान उसे कई ऑडियो लॉक्स मिलते हैं जिसमें उसे पता चलता है कि रियान सोफिया को यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे लोगों की मदद के लिए लाया था, जो उनकी थेरेपी लेकर उन्हें ठीक कर सके। लेकिन सोफिया अपने थेरेपी सेशन में उन सभी का ब्रेन वॉश करने लगी ताकि अपने पेशेंट को कल्ट में ज्वाइन करवा सके, जिसे वो द रैप्चर फैमिली कहती है। और आगे चलकर सोफिया पब्लिक डिबेट्स में रियान का सामना करने लगी और उसको हराने लगी, जिसके बाद रियान को सोफिया खतरा लगने लगी और उससे डील करने के लिए रियान सिनक्लेयर को कहता है, जो सोफिया से समझौता करने के लिए कल्ट के मेंबर स्टैनली पोल का इस्तेमाल करता है, जिसको बाद में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे रैप्चर्स के प्रोसेफनी प्रिजन में डाल दिया जाता है, जिसके बाद एलेनर को संभालने की जिम्मेदारी ग्रेस होलोवो को दे दी जाती है। और आगे चलकर एलेनर डेल्टा को बताती है कि स्टैनली ने सोफिया को दिवाला कर दिया और घबराहट के चलते मुझे फ्रैंक फॉन्टेन के ऑर्फनेज में बेच दिया, जहां पर मुझे लिटिल सिस्टर में बदल दिया गया। और उसके बाद डेल्टा को पता चलता है कि सोफिया अपनी बेटी को सुपर ह्यूमन में बदलने के लिए एडम का इस्तेमाल करती है और उसकी सेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए सोफिया उसी सेम मेथड का इस्तेमाल करती है जो जैक पर किया गया था,
ताकि एलेनर की मदद से वो अपने मकसद को पूरा कर सके और इस टेक्नोलॉजी को बाहर की दुनिया में बेच सके। जिसके बाद सोफिया डेल्टा के चक्कर में ट्रेन स्टेशन को बंद कर देती है ताकि वो एलेनर से मिल ना सके। लेकिन डेल्टा ग्रेस से की को लेकर ट्रेन को स्टार्ट करके यहाँ से चला जाता है। लेकिन बीच में ही साइमन वेल्स ट्रेन पर टॉर्पेडो फायर कर देता है जिससे कि उसकी बॉडी काफी डैमेज हो जाती है। जिसके बाद डेल्टा किसी दूसरी ट्रेन को ढूंढने में कामयाब होता है और उसकी मदद से डायनेसिस पार्क में चला जाता है। लेकिन उससे पहले वो साइमन को मार देता है और डायनेसिस पार्क से बाहर निकलने के लिए डेल्टा को एक ट्रेन का पता चलता है जो कि ब्लॉक है, जिसको ठीक करने में मदद स्टैनली करता है, जो डेल्टा को बताता है, मैंने तुम्हारे ऊपर एक आर्टिकल लिखा था और तुम्हारा नाम जॉनी टॉपसाइड था और तुमने डाइविंग के दौरान रैप्चर सिटी को ढूंढ निकाला और तुम यहीं पर बस गए और यहाँ पर एक हस्ती बन गए। लेकिन रियान को तुम पर भरोसा नहीं था, जो तुम्हें CIA या KGB का स्पाई मानता था, जिसके बाद उसने तुम्हें बिग डैडी में बदल दिया, जिसका कोड नेम सब्जेक्ट डेल्टा होता है। पर जॉनी को डेल्टा बनाने में रियान की मदद स्टैनली ही करता है। लेकिन हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो उसे मार दें या छोड़ दें। फिर उसके बाद डेल्टा ट्रेन को स्टार्ट करके फाउंटेन फ्यूचरिस्टिक चला जाता है, जहां पर उसका रास्ता गिल्बर्ट रोक लेता है, जो कि एडम का जरूरत से ज्यादा डोज लेकर पागल हो गया है, और उसकी रिकॉर्डिंग टेप्स को फॉलो करके डेल्टा उसकी सीक्रेट लैब में पहुंच जाता है, जहां पर वो एक अजीब सी फॉर्म में होता है। और हमारे पास यहां पर भी दो ऑप्शन होते हैं, या तो उसे मार दें या छोड़ दें। जिसके बाद डेल्टा परसेफनी चला जाता है, जहां पर वो एलेनर को ढूंढता है, जो उसे क्वारंटीन चेंबर में बंद मिलती है, जिसके साथ सोफिया भी होती है, और एलेनर यहां पर सो रही होती है। लेकिन डेल्टा के अंदर जाने से पहले ही सोफिया एलेनर का गला घोटकर बेहोश कर देती है, जिसके चलते डेल्टा की बॉडी शट डाउन हो जाती है। और अब डेल्टा सोफिया के कब्जे में है, जो कि इन दोनों का ये बॉन्ड तोड़ना चाहती है, जिसके चलते एलेनर का दिल कमजोर होने लगता है और वो लिटिल सिस्टर्स के जरिए अपने आप को जिंदा कर लेती है और बिग सिस्टर का आर्मर पहन लेती है। जिसके बाद एलेनर डेल्टा को बचाने में कामयाब होती है और उसे एक स्पेशल प्लास्मिड देती है। फिर वो दोनों सिंक्लेयर के स्कैप पोर्ट के जरिए यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं और ऐसा ही करते हैं। लेकिन सामने कई सारे बॉम्ब रखे होते हैं, जो कि यहाँ पर सोफिया ने रख रखे होते हैं ताकि उन्हें मार सके, और उसके बाद वो सभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं। लेकिन एलेनर समय रहते टेलीपोर्ट हो जाती है, जिसके बाद स्कैप पोर्ट ऊपर जाने लगता है। लेकिन स्कैप पोर्ट में पानी भर जाने के चलते सोफिया सांस नहीं ले पाती, पर एलेनर सोफिया की मदद करती है और उसकी जान बचा लेती है। जिसके बाद ये पॉड समुद्र के ऊपर आ जाता है और डेल्टा के पास ज्यादा समय नहीं होता है। फिर एलेनर डेल्टा के अंदर से एडम को निकाल लेती है ताकि उनकी यादें हमेशा उसके साथ रहें, और डेल्टा मर जाता है। और यहाँ पर एलेनर के साथ सभी लिटिल सिस्टर्स भी होती हैं और ये गेम यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस गेम की स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर वाकई अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और इससे पहले मैंने बायोशॉक 1 की स्टोरी को एक्सप्लेन कर रखा है, और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाके जरूर देखें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।